हंसराज जी को प्रणाम करते हुए काशी टेलीविजन के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविजन है। काशी टेलीविजन आपकी सेवा में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और सारी दुनिया में देखा जाता है। इस वक्त हम हिल टॉप बर्मिंगहम से बोल रहे हैं। आने वाले पूरे दो घंटे के लिए हम दोनों भाई, मैं विकी गिल और मेरे साथ मोमी साहब, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है बातें करने के लिए। हमारे आपके हर किसी के दिल में बहुत कुछ चल रहा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एट द मोमेंट हम बैठे तो चाहे इंग्लैंड में हैं, लेकिन हम में से हर किसी का दिल ये कर रहा है कि हम आज अगर टीकरी बॉर्डर पे होते, सिंधु बॉर्डर पर होते, गाज़ीपुर बॉर्डर पर होते तो अपने भाइयों का हम साथ देते। लेकिन यहाँ पर भी काम काज देखने के लिए है, इस वजह से हम में से बहुत से लोग यहाँ से जा नहीं सकते। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, कौन से प्राइम मिनिस्टर, बार बार कभी डेविड कैमरन का, कभी किसी का, कभी किसी का नाम जहन में आता है, बोरिस जॉनसन साहब। बोरिस जॉनसन साहब ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन, हैप्पी गणतंत्र दिवस बाय द वे, ये कहा कि मुझे भारत जाना था और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मुझ पर जोर डाल रहे थे कि तुम मेरे दोस्त हो तो ज़रूर आओ, लेकिन इंग्लैंड में कोरोना होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा सका। ये खुद बोरिस जॉनसन साहब ने अपनी स्पीच में कहा था। हमने कहा देखो कितना सयाना प्राइम मिनिस्टर है कि उसने कोरोना की वजह से हम सबको अकेला नहीं छोड़ा। अगर कोई और होता तो छलांगे मारता भागा जाता और वहाँ पर जाकर गणतंत्र दिवस को लोगों से सल्यूटें मरवाने का किसको शौक नहीं होता, आपको अच्छी तरह से जानते ही हैं। यूँ तो दुनिया भर में हज़ारों खबरें आजकल चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो जो खबरें हमारे आसपास हो रही हैं उनके बारे में जिक्र नहीं किया जाता। इस बात का मुझे बेहद दुख है और हमेशा होता रहेगा, लेकिन अब बहुत जल्दी ही आपकी सेवा में कुछ ऐसे समाचार आया करेंगे जो कि हमारे घरों के आसपास और हम लोगों से ही ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए आज आप चाहे कोई रेडियो लगा लें या कोई टेलीविज़न लगा लें, आपको वो इंडिया की खबरें देता है या पाकिस्तान की खबरें देता है और यहाँ की कोई खबर नहीं देता, जो कि बहुत ही दुख की बात है। हम लोगों का एक मुआशरा, हम लोगों का एक समाज यहाँ पर भी है जिसकी हमारी हार्ड वर्क की वजह से अंग्रेज़ तबका भी हमारी बहुत इज्जत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम लोगों का नाम बड़े अच्छे जगहों में आता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारे अपने मीडिया का सवाल है, हमारा मीडिया कभी अखबारें छाप लेगा तो उसमें भी मुंबई की कोई नाचने वाली या कोई एक्ट्रेस, उनकी खबरें छापेगा जल्दी जल्दी, बॉलीवुड 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 इस तरह का। और फिर उसके बाद यहाँ अगर कुछ हो रहा है जिसमें एशियन लोग भी शामिल हैं, वो उनका उसमें कुछ नहीं होता। कौन से चैनल ने कितनी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, कितनी डोनेशंस दी हैं, कितना यहाँ के लोगों को सपोर्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं आता। हमारे लोगों के घरों में चोरियाँ हो रही हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं आता। हमारे लोगों के साथ क्या बीत रही है, स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बीमार हैं, भूखे हैं, उनके घर में खाने को दाना नहीं है, उनके बारे में जो यहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं आता। जब आप रेडियो को ऑन करते हैं तो उसमें भी वो एक कहानी शुरू हो जाती है, बॉलीवुड 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 बॉलीवुड, फलानी नाचने वाली, फलाना नाचने वाला, इस तरह की चीज़ें। और लेकिन उसके अलावा फिर जो यहाँ पर हो रहा है उसकी तरफ कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। और हम सब का दिल करता है कि सवेरे सवेरे हम उठें और एक ऐसा चैनल हो जो शांति के साथ हमें खबरें सुना दे, उन खबरों को सुनकर हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक रहे और हमारा शुगर लेवल भी ठीक रहे और उसके अलावा हमारे दिमाग की सोचन शक्ति जो है वो भी सारा दिन ठीक ठाक चलती रहे। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब खबरें आप सुनते हैं जो भारत और पाकिस्तान के चैनल से आ रही होती हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे आए हाय कोई चने बेच रहा, सब्जी वाले जैसे कर रहे होते हैं। वो सब्जी वाले बहुत जचते हैं, आप सब्जी बाजार में जाओ, मंडी में, यहाँ की मंडी, वहाँ अंग्रेज़ लोग जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही बोलते हैं जैसे भारत की सब्ज़ी मंडी में लोग बोलते हैं। यहाँ पर भी मंडियों में मेरा काफ़ी आना जाना है, मुझे चीज़ें खाने का बड़ा शौक है। और फिर उसके बाद भारत में भी मैं मंडियों में जाया करता था, खरोड़े का सूप पिया करता था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जूस वाले की दुकान में तो कौन नहीं जानता, हर कोई वहाँ पर शाम को जूस खड़ा होकर पीता, चाहे उसके आसपास जितना भी गंध हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर
ऐसे एक चैनल का बस एक ख्वाब है और शायद ख्वाब कभी कभी पूरा भी हो जाए, जिसमें कि एक नाइस सॉफ्ट किस्म का जो न्यूज़ पढ़ने वाला है न्यूज़ पढ़े और वो सारी चीज़ें हम सुन के अच्छी तरह से उठ सकें। अब अगर यहाँ इधर उधर की खबरों के हिसाब से आप देखें तो वुल्वरहैम्पटन में मेरी सिस्टर रहती है, सब किसी को मालूम है, श्रीमती डॉक्टर कुलदीप संधू जी, पिछले दिनों नहीं परसों की बात है उनके घर चोरी हो गई। चोरी ऐसी हुई कि उनकी एक कार है जो कि उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, वो उन्होंने ब्रांड न्यू खरीदी थी, निसन आई थिंक वो है होंडा एकॉर्ड, पुराने ज़माने की होंडा एकॉर्ड, वो क्लासिक लंबी चौड़ी खूबसूरत, इतनी प्यारी उसकी सीटें हैं कि बंदा बैठे तो जी करते ऐसे ऐसे करते रहो, सॉफ्ट सॉफ्ट महसूस होता है। और लाल रंग में वो जड़ी हुई जब आंगन में वो खड़ी होती है तो ऐसे लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन अपने बेड के बीच में ऐसे करके बैठी हुई है और धीरे धीरे इधर उधर देख रही है, इतना उसका रुबाब है तो, और रुतबा भी उसका है। और मिसेस संधु वो उस कार का बहुत ख्याल रखती, उसके ऊपर हज़ारों पाउंड उन्होंने खर्च किए और 3 दिन पहले लाकर वो अपने आंगन में खड़ी की और सबको बताया मेरी कार बिल्कुल ठीक हो गई है। फिर जब वो चलाने लगी उसको तो वो भड़ बड़ बड़ करके शोर ऐसे मचाने लगी जैसे कि मिट्टी के तेल का स्टोव फूंक मारो तो एक बार वो भर्र करके एक तरफ से लाट उसकी निकलती है वैसे। तो इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई मैकेनिक पुर्जा फिट करना भूल गया हो, तो उन्होंने मैकेनिक को फ़ोन किया, बोली हेलो रॉन्ग प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ आप गाड़ी को अभी ले आइए। वो गाड़ी लेकर गई तो मैकेनिक देखते सारी कहता ओह माय गॉड नॉट अनदर वन। जब पता किया गया गाड़ी उन्होंने रैंप पर चढ़ाई तो देखा कि नीचे से कोई काट के उसका छोटा सा एग्जॉस्ट का हिस्सा ले गया। उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई, पुलिस वालों ने कहा कि जी हमें मालूम है कि इस तरह की चोरियां हो रही हैं और कुछ चोर जो हैं वो एरिया में हैं, हमें इस बात का पूरा पता है। उससे आगे उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस रिपोर्ट का वो जो नंबर होता है वो दे दिया। लेकिन वो इतना से जो हिस्सा एग्जॉस्ट का काट के चले गए तकरीबन 300-400 पाउंड की वो बात है, और एक रिटायर्ड कपल को अगर इतने पैसे एकदम से निकालने पड़े तो आप जानते ही हैं कि बहुत मुश्किल काम है। रिटायर्ड तो क्या, किसी को भी अचानक ही अगर ऐसे पैसे देने पड़ जाएं। कार अंदर खड़ी थी, कैमरे के नीचे खड़ी थी, पीछे गेट भी लॉक था। हर कोई जो इस वक्त जापानीज कार चलाता है और ख़ास करके होंडा चलाता है बड़े केयरफुल रहिए, क्योंकि इस तरह के चोर हैं जो कि चोरियाँ कर रहे हैं उनके पास अपना जैक होता है, वो आए फटाफट लगाए नीचे घुसे कट 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 करके काटा और ले गए। ये दोनों घर में थे और उनको पता नहीं लगा, इसके लिए हमें बहुत दुख है। फिर उनका जो मैकेनिक था उसने भी ये कहा कि ये तकरीबन 18वीं कार है जो हमारे पास आई है और उसमें से सेम इसी तरह की चोरी हुई है। इस तरह की चोरी वोलसोल के बहुत से इलाकों में भी हुई है, आप तो जानते हैं मैं वहाँ काम करता था तो वहाँ के मैं चप्पे चप्पे से और बच्चे बच्चे से वाकिफ हूँ। यही नहीं बल्कि आप अगर वेरी हाई क्लास एरियाज में देखें, सटन कोल्ड फील्ड में आती है ग्रेवली लेन, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक घर था, उसके इस तरफ एक नर्स रहती है, नर्स को जवानी का बड़ा शौक है, उसने मुंह पे इतने सारे टीके लगवाए और एक जवान सा बॉयफ्रेंड भी बना लिया, बस थोड़े दिनों में सारे टीके भाग गए और वह चुड़ैल बन गई, ऐसे लगा कि जैसे बस मुंह बर्नड विक्टिम है, बहुत दुख हुआ। लेकिन उसके घर के बीच में एक घर है और साथ में एक टीचर का घर है, वो टीचर मेरा दोस्त है, उसके भी लंबे लंबे मेरी तरह बाल हैं, उसकी बहुत ही अच्छी वाइफ है। और वो जो बीच वाला घर है उसमें अजीब किस्म के लोग आते थे जाते थे आते थे जाते थे, लेकिन अब पिछले ही दिनों उसमें से बहुत से वेस्ट इंडियन लड़के काले निकल के भागे, पड़ोसियों ने शोर मचा दिया, बर्फ़ पड़ी हुई थी, पुलिस की एक गाड़ी आई और उसके बाद दनादन दनादन पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ गई। अगले दिन पता लगा कि उसमें ड्रग फैक्ट्री थी, यानी कि वीड के पौधे उगाए गए थे, मैंने भी खिड़की में से झाती मारी थी और मेरे पास वीडियो भी है, और उस नीचे से लेकर ऊपर तक पौधे ही पौधे 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 उगे हुए थे, उसमें बड़ा कुछ था बड़ा कुछ था, पंखे थे फर्न फर्न चल रहे थे, लाइटें थी बड़ी बड़ी ऐसी लाइटें जैसी है मेरे मुँह पर पड़ती ना तो वो पौधों पे पड़ रही थी और पौधे धीरे धीरे हिल रहे थे ऐसे ऐसे करके, उनमें से हजारों पाउंड लगने थे लेकिन पहले ही चोर चोरी करने आए और वो डर के भागे के अंदर किस चीज़ में हम फंसने लगे। तो रात को बहुत बड़ी वैन आई थी, वो सारा कुछ उठा के वहाँ से ले गई और पुलिस की गाड़ियाँ भी चल गई, पर सारी रात खड़खड़ खड़खड़ होती रही और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। और हाँ एक खबर और है, प्रोग्राम अभी शुरू होना है, आइए प्रोग्राम नहीं ये तो वैसे ही हम बातें कर रहे हैं, वो ये है
कि आप तो जानते हैं कोरोना की वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं, और जब बहुत ज़्यादा डर हो जाता है ज़िंदगी में और ये एक तरह से दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि अब शायद अब हम नहीं बचेंगे, एक तरह से जब हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं सूरज ना होने की वजह से भी, तो ऐसे लगता है जैसे हम में से हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है, एक ना एक दिन ये कोरोना की महामारी हमें भी पकड़ लेगी और हम भी मर जाएंगे, ऐसा हो सकता है। और मौत से क्या डरना, मौत ने तो आना ही है, मौत का एक दिन मोइन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, और ये बड़ी उम्र के लोग हैं, जिन्होंने अपने घरों से बाहर सेक्सुअल रिलेशंस बनाना शुरू कर दिए हैं, और वो भी अनप्रोटेक्टेड, और ये प्रॉपर रिसर्च आई है और उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से 1982 में HIV और एड्स की महामारी फैली थी, उसी तरह से अब भी एक तो लोग कोरोना से मर रहे हैं, और दूसरा अब लोगों में HIV की इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, और वो भी बड़ी उम्र के लोगों में, यंगस्टर्स में नहीं। ये बिल्कुल आप बात को भूल जाएं, यंगस्टर्स बहुत सियाने हैं, खास करके जो भारत से आए हैं वो तो सभी से सियाने हैं, वो नहीं हाथ लगाते किसी चीज़ को विदाउट एनी भी चीज़। अब जहाँ तक सवाल है प्रोटेक्टिव चीज़ें खरीदने का, आप जानते हैं कि हम में से बहुत से लोगों की दुकानें हैं, और वो दुकान वालों से अगर हम पूछें तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ऐसी इस तरह की चीज़ नहीं बेच रहे। लेकिन जिस चीज़ से जान बच सकती है, जैसे कि कॉन्डोम, जिसका इस्तेमाल ना करने से मौत हो जाती है HIV फिर एड्स बन के, और इससे पहले कि उनको एड्स बने वो बहुत से लोगों को HIV दे चुके होते हैं, तो उसके साथ वो भी मर सकते हैं। एक बॉलमियर में दुकान है मेरे घर के पास, वहाँ पर एक बंदा होता है, उसको मैंने एक बार जाके कहा था कॉन्डोम्स प्लीज करना, ओकी हुंदा, मैंने कहा जी कॉन्डोम्स नहीं होंदे निरोध, मैंने ऐसे कहा, तो उसने कहा वो नहीं 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 असी नहीं है जी चीज़ सेल कर दे, अरे ये जो काम नहीं चलता असी ये काम नहीं कर दे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने ऐसा क्या क्या दिया है जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर मुझसे कर रहा है। मैं क्या आई एम सॉरी भाई साहब, मुझसे बड़ी गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा। क्या कि मैं किसी और दुकान के पास चला गया, उनको पूछा, उन्होंने डब्बी सामने रखी, मैंने पैसे लिए तो मैं चला गया। उसके अलावा एक और दो जगहों पर इस तरह से हुआ, लेकिन कुछ आजकल एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसे नहीं आ रहे जहां पर कि आप सस्ती चीज़ें ले सकते हैं बिल्कुल भी मुफ्त, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ऐसी चीज़ें महंगी आती हैं, और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 3-4 पाउंड को भी अपनी जान से ज़्यादा समझते हैं और वो ख़रीदना ज़रूरी नहीं समझते। तो कहते हैं कि कोई एक जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि अगर नाम लिया तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, उन लोगों के साथ मेरी एडवर्टाइजमेंट के लिए बात चल रही है एक्चुअली में, तो वो लोग स्टूडियो में आएंगे और वो सारी की सारी बातें बताएंगे, उसके हमें पैसे मिलेंगे, हम लोग तो हुनर का खाते हैं आपको मालूम है, और अगर हम फ्री है जो सारी जानकारियाँ देना शुरू कर दें तो हमें पैसा कौन देगा, आप में से किसकी कितनी सपोर्ट है ये तो आप अच्छी तरह से जानते। तो उन्होंने बताया था और मैं किसी को जानता था, उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी तो मैं वहाँ चला गया। राबिया खत्री जी के घर के बिल्कुल पास में केमिस्ट है, वहाँ मैं गया, तो वहाँ जाकर मैंने उनको कहा फ्री कॉन्डोम्स प्लीज़, तो उन्होंने कहा एक लेडी थी, मैंने कहा यू गिव इट फॉर फ्री डोंट यू, इट्स रिटन आउटसाइड, वो कहने लगी ओह यस यस हियर इज अ फॉर्म फिल इट। मैंने फॉर्म भरा, अपना नाम उनको आगे लिखा डी सिल्वा जेकब, तो वो कहने लगी व्हाट्स योर नेम, मैंने कहा माय नेम इज़ नॉट बट माय नेम इज़ डी सिल्वा, आगे जो भी मैंने नाम उसको बताया था जेकब, तो वो कहने लगी मैंने कहा मैंने नाम तो लिख दिया, उसने मुझे पहचान लिया होगा, मैंने कहा नाम तो लिख दिया मेरा सामान भी दो तो मैं जाऊँ, तो उन्होंने जो मेरे को पैकेट में थी छोटी सी पूड़ी बनाई, पूड़ी मेरे को ऐसे पकड़ा दी, पूड़ी में 4 थे, आप इमेजिन करो 4 कितने दिन चल जाएंगे। ये मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों से जान बच सकती है, जिस चीज़ों से बीमारियां बच सकती हैं, बीमारियों से हम बच सकते हैं, वैसी चीज़ों के लिए भी इस तरह का बिहेवियर ये अच्छा नहीं है। और ये पेंडेमिक में बीमारी हो सकता है इसलिए भी बहुत ज़्यादा फैल रही हो, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि शायद अब जान तो बचनी नहीं, चलो एक बार एंजी कर लिए, लेकिन बुरी बात है रेड क्रॉस ने ऐसा कहा है कि जिंदगी में जब तक आपकी आखिरी सांस भी आपके अंदर है अपनी जान की प्रोटेक्शन कीजिए, क्योंकि इस प्रोटेक्शन से ही आप बच सकते हैं, मतलब ये आपका धर्म है अपनी ज़िंदगी को बचा के रखना। तो आप सबका ये धर्म है कि आप सारा दिन काशी टेलीविज़न देखा करें।
24/7 और मेरा प्रोग्राम तो ज़रूरी देखा करें, और उसके अलावा मेरे प्रोग्राम्स को भी स्पॉन्सर करवाया करें, उसके अलावा मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स भी करवाया करें। उसके लिए आप मुझसे मिला करें, जल्दी ही मैं परमिशन लेकर आपको अपना टेलीफोन नंबर भी दे दूंगा, अदरवाइज़ आप ऑफिस में फ़ोन किया करें और उनसे मेरा नंबर ले लिया करें, या फिर आप मोमी साहब को फ़ोन कर लिया करें, 01215024304 है, उनसे मेरा टेलीफोन नंबर ले लिया करें। मेरा टेलीफोन नंबर किसके पास नहीं, सब किसी के पास है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट काशी टेलीविज़न पर ज़रूर करवाएं। और मैं और मोमी साहब के पास इतने आइडिया हैं, और मोमी का तो पूछिए कोई ना, फोटोग्राफी में नंबर वन, वीडियो बनाने में नंबर वन, और उसके अलावा देखने में नंबर वन। इन्होंने लेटली कई सारे वीडियोस बनाई हैं, उसमें ऐसे ऐसे करके डांस किया, मैं कहता हूँ बता नहीं सकते, ऐसा ज़बरदस्त ये लड़का डांसर है कि पूछो ही कोई ना। खैर, आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसे बनाएगा कि बाहर के जो ग्राहक हैं वो पंगड़ा पाते पाते आपकी दुकान में आ जाएंगे और आके सारा सामान खरीद के चले जाएंगे। आप खाली दुकान में ऐसे खड़े देखते रह जाएंगे कि साढ़े नाल हो ही गया। अच्छा, अब यहाँ के समाचारों की भी बातें ख़त्म हो गई हैं, आइए किसी और की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। श्रीमान राहुल गांधी को तो आप जानते ही हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है और उनको भी मुझसे बहुत मोहब्बत है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, राहुल गांधी और मैं, क्योंकि उनके विचार भी ऐसे हैं, मतलब आंदोलनकारी, और मेरे विचार भी ऐसे हैं कि मैं जहाँ पर भी काम करूँ उस जगह को तरक्की की सीढ़ियों पर मैं आगे लेकर जाऊँ, और उसके लिए मैं आपसे भी मदद चाहता हूँ, क्योंकि इल्म हमेशा दौलत का एहसान मंद रहा है, और जब तक आप एडवर्टाइजमेंट करवा के पैसे नहीं दोगे तो फिर हमारा गुजारा कैसा चलेगा, है ना। फिर कहीं आप ऐसे ना कहना हमने वहाँ खड़ा देखा था और यहाँ खड़ा देखा था चार पैसे के लिए। आप लोगों की भी ज़बान कंट्रोल में आती नहीं, किसी ने अब पैसे किसी ना किसी तरह से खाना तो खाना ही है, आप अपनी अंटी ढीली नहीं करोगे तो ऊपर नरक में पड़ोगे। तो फिर श्रीमान राहुल गांधी ने किसानों से कह दिया है कि एक इंच भी पीछे ना हटना, और ये उनका बयान सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। ये लड़का बहुत कमाल का आदमी है, मैं इसकी माँ को सलाम करता हूँ और उनसे बहुत प्यार करता हूँ, सोनिया गांधी जी से। पता है क्यों, मैं छोटा सा था, सोनिया गांधी शादी करके आई थी, सोनिया गांधी ने लंबी सारी स्कर्ट पहनी हुई थी, बाल उनके खुले थे और इतनी प्यारी थी, और आकर उसने भारतीय सभ्यता को अडॉप्ट कर लिया, वो इटली को भूल भी गई, और बहुत वो उस अब इंडियन कल्चर से हर चीज़ से उनको बहुत प्यार है। सबसे बात अच्छी तो ये है कि वो एक बहुत अच्छी माँ है। जिस देखिए, आप लोगों को पैसे अपने से कितना घमंड है, आपको मालूम ही है कि चार पैसों के लिए आपने क्या कुछ किया है, कितने लोगों के गले काटे, कितने लोगों का बुरा हाल किया, कितने लोगों को स्क्राउंज किया, कितने लोगों के ऊपर झूठी बातें करके अपना रुतबा बनाया, कितने लोगों की रोशनी को बंद करने के लिए आपने फूके मार मार के उनकी ज्योति को बुझा दिया। लेकिन कई ढीठ भी होते हैं, आज भी आपके सामने बैठे। तो फिर जो है ना, हमारी प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी की मोहब्बत हो गई एक लड़के से, वो लड़का गरीब लड़का था, प्रियंका उससे बहुत प्यार करती थी, और सोनिया गांधी को उन्होंने बताया कि मम्मी आई लव हिम एंड आई वांट टू मैरी हिम। सोनिया गांधी कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी ओके आई गिव यू माय ब्लेसिंग्स, यू मैरी हिम, पर मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो प्रियंका ने कहा शादी कर दोगी ना, उसने कहा हाँ मैं कर दूंगी। तो सोनिया गांधी ने एक लोहे का कारखाना बड़ा सारा, वो लड़का जो कि गरीब घर का था, अनएम्प्लॉयड था, उसके नाम पे करवा दिया, मिल एक और उसके नाम पे करवाई, और एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उसके नाम पर कर दी। तो उस आदमी का शुमार बहुत अमीर लोगों में होने लग गया, जो कल तक नोबडी था। और फिर प्रियंका गांधी की शादी खुशी खुशी के साथ सोनिया गांधी ने उस लड़के के साथ कर दी। सोसाइटी के एक तरफ के लोग जिन्होंने ये कहना था अल्लाह तुसी कितने थे, वो कितने तुहाडा रुतबा कितने थे, इन्ना दा एदा रुतबा कितने, कितों मुंडे नू गांधे च चुक ले आई है, पता नहीं कौन है कौन नहीं, उन लोगों के मुँह भी बंद हो गए। ममता ने भी अपना सब कुछ कर दिया। आज देखिए, नीलम हो सकती है, सीलम हो सकती है, लेकिन सोनिया कोई दूसरी मैंने ना देखी है, और ना ही शायद सोनिया गांधी दोबारा ऐसी कोई पैदा होगी जिसने कि अपनी लड़की को इतनी खुशियां दी। लोग तो
अपने ही बच्चे का गला घोट देते हैं। लोग तो अपने ही बच्चे के प्रेम को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं, तकरीबन आपने देखा ही होगा। लेकिन सोनिया गांधी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मेरी नज़र में तो अभी तक ऐसी और कोई माँ नहीं है जिसने कि ऐसा किया हो, इंक्लूडिंग माय ओन। मेरा किसी के साथ मंडी गोविंदगढ़ में इश्क का पेचा था, माँ बाप मेरे दोनों गए, ओ दोनों में मास भारत हुआ और सारा कुछ ख़त्म करके ही वापस आए थे। मेरी माँ को तो पता लगना चाहिए कि इसकी नैना किसके साथ लड़े हैं, तो वो वहाँ जाके ओ शेंट बजाती है, ऐसे 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 तलवारें चलती। ज़्यादातर ऐसी ही मैंने देखी हैं, लेकिन श्रीमती सोनिया गांधी जैसी कोई नहीं देखी। और राहुल गांधी के इस बयान पर भी मुझे बहुत प्यार आ रहा है, आया है। आदिश मैं वहाँ हूँ तो मैं और राहुल हम दोनों स्पीचें दें। उसके अलावा नई दिल्ली में देखिए क्या हो गया, हाय हाय धमाका हुआ चाणक्यापुरी में। हम में से हर कोई चाणक्यापुरी जाया करता था। मैं वहाँ जाता था चाणक्य सिनेमा में फिल्म देखने। वहाँ पर मेरी लास्ट फिल्म थी प्रीटी वूमन। हाँ, प्रीटी वुमन भी बुढ़ी हो गई, चाणक्य सिनेमा भी ख़त्म हो गया, लेकिन चाणक्यपुरी आज भी रोशनी में आती है। वहाँ पर एक इज़राइल की एम्बेसी है और इज़राइल की एम्बेसी में ज़बरदस्त धमाका हुआ, मरिया कोई नहीं लेकिन कारें बहुत सारी हवा में उड़ गईं और दम करती नीचे गिरी। अब वहाँ के जो हैं इंश्योरेंस वाले, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर उसके बाद सिंधु बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं और बहुत ख़तरा है झगड़ा होने का। ऐसा होना नहीं चाहिए, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गणतंत्र दिवस की हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, मगर वो जो संविधान बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, आज उसकी इज्जत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो जो उसमें चेंजेस करने की कोशिश की गई ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। बेहुरमती तो तभी से शुरू हो गई थी, आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। हाय हाय, क्या आप ये सोचते हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच डिड नॉट डिज़र्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? क्या इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी नहीं, उसको भी ना, दे डोंट डिज़र्व दैट? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, जो उनका चपरासी था ना, वो उनके कमरे में नहीं जाता था, नफ़रत करता था उनसे। और फिर उसके बाद जो वो चाय का कप होता था उसको भी हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि बाबा साहब ने उसको हाथ लगाया हुआ था। और अब से थोड़ा टाइम पहले मैंने सबसे ज़्यादा शोर मचाया, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, और आपको भी इस बात का अच्छी तरह से पता है कि इवन इंडियन कॉन्सुलेट में भी यहाँ पर 26 जनवरी वाले दिन भी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की ही बातें होती थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात नहीं होती थी। क्योंकि आज भी चाहे कोई जितना मर्जी पढ़ जाए, पढ़ लिख जाए, लेकिन लोग जात पात की वजह से पास नहीं आते। प्रोग्राम में इससे पहले कि हम आगे बातें करें, आइए पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। आपने बंद क्यों कर दिया? आए थे तो बात कर ही के जाते ना। आप दोबारा टेलीफोन कर लीजिएगा, किसी वजह से फ़ोन कट गया है। अच्छा, देन अब टीकरी बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर तो झड़पें हो ही रही हैं। गाजीपुर में पूरी तरह से बिजली को बंद कर दिया गया है, और जो वहाँ के रहने वाले हैं और जो वहाँ के वहाँ पर इस वक्त किसान मोर्चे पर बैठे हैं, उनका ये कहना है कि जो सरकार है हमको तंग करने की कोशिश कर रही है। और फिर अब भारत ने इतनी टेंशन होने के बावजूद, इतनी लड़ाई होने के बावजूद, इतनी मारकाट मचने के बावजूद, हिस्ट्री में इतना बड़ा प्रोसेशन नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया जहां तक फाइनेंशियल मोर्चे का सवाल है, इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। मैंने अभी भी कुछ खाकर मैं बैठा हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे हंसाइए ना, क्योंकि कई बार आदमी हंसता है ना तो खाना मुँह से निकलना सा अजीब सा शुरू हो जाता है, उम्र की बात है ना, इस वजह से। तो फिर आप क्या सोचते हैं, क्या चाइना? अच्छा, अब क्वेश्चंस शुरू होंगे, बड़ा टाइम है प्रोग्राम में। स्वागत कीजिए अगले मेहमान का। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, यह सर
सर आप बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं और जात पात की भी और बड़ी अच्छी आप ही, मैं जब गुफ्तगु सुनता हूँ ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप एक खुद बहुत अच्छे आदमी हैं, इस वजह से ऐसे कहते हैं। सर पाकिस्तान में भी जात पात का बहुत ही तसव होता है कि अगर मुसलमान इतनी नफरत करते हैं कि तौबा करनी चाहिए कि किसी दूसरे को, वैसे तो बोलेंगे कि काफर है, बुरा है, नफरत ये चूड़ा है, बंगी है, तो खुद ही जब उससे वो कोई लड़की लव कर लेती है तो फौरन उससे शादी की ख्वाहिश कर देते हैं, और जो वो नहीं करती तो उसे मार देते हैं। ये हिंदू में या पाकिस्तान में क्रिश्चियन लड़कियों के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, तौबा करनी चाहिए सर। ये बड़ा अफसोस है, जहाँ पर की जात पात का सवाल आ जाता है वहाँ पर बहुत ही हालत खराब होती है। आपको मैं भी बताऊँ, एक जगह पे रिश्ता चला, आप यकीन नहीं करेंगे कि 1400 कुत्ते और गधे खा गए हैं वो हलाल है और हलाल हो जाता है। हाय हाय, आई एम सो वेरी सॉरी। और कल एक नर्स को मारा है कि जी तुमने ताने रसालत कर दी है, वगैरह तो आदमी है कि जिसको मर्जी पसा दें कि ताने रसालत कर दी है कुरान की या नबी की बात की है। इतने गंदे हैं और खुद 6-6 साल की और 5-5 साल की बच्ची भी नहीं छोड़ रहे पाकिस्तान। नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब सभी लोग भी एक जैसे नहीं होते जी। आप बड़ी मेहरबानी मतलब... और इसके बात करेंगे आप जी। हाँ मैं इसके बारे में भी बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपने टेलीफोन किया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जहाँ पर भी जात पात की बात आ जाती है वहाँ पर बहुत बुरी बुरी आदतें होती हैं। एक जगह पे मेरे रिश्ते की बात चल रही थी, जो दूसरी पार्टी थी वो बड़े मजबूत बड़े अमीर लोग भी थे और वो मान भी गए थे एक तरह से, और फिर लेकिन किसी ने जाकर इसी तरह की कोई बात की थी जात पात वगैरह की वजह से। उसके बाद वो लोग जो कि मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मुझे कच्चा खा सकते थे, वो लोग मेरी परछाई से भी डरना शुरू हो गए थे, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कि ये भाई साहब आए, इन्होंने इस तरह की जो बात की है, जब जात पात की बात आ जाती है तो सारी दुनिया में कोई लोग जितना मर्जी पढ़ भी जाएँ तो भी वो इन बातों के चक्कर में आ जाते हैं। इवन इंग्लैंड में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो फिर आप क्या सोचते हैं, आइए क्वेश्चंस की लड़ी को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो होने वाली बातचीत है उसमें हिस्सा लेने के लिए टेलीफोन नंबर 0121-502-4304। पहली बात तो ये कि अब इंडिया का कहना है कि हम लोग इतनी तरक्की करेंगे, हम लोग इतनी तरक्की करेंगे कि हम चाइना को भी पीछे छोड़ जाएंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइए। क्या इंडिया इतनी तरक्की कर सकता है कि वो चाइना को भी पीछे छोड़ जाए? और ये तरक्की जी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, हर कोई जो चाहे कर सकता है। लेकिन अब ये भी बताइए कि इंडिया को चाइना को पीछे छोड़ने के लिए किन किन चीज़ों को छोड़ना होगा। मैडम नूरजहां मलिकाए तरन्नुम, उनका मरहूमा, वो कहती थी कि इंसान बगैर किसी कुर्बानी के कहीं नहीं पहुंच सकता। तो इंडिया को किस किस चीज़ की कुर्बानी करनी पड़ेगी चाइना से आगे जाने के लिए? आप सभी भाई और बहन बहुत समझदार हैं, बहुत अकलमंद हैं, आपको कुछ भी सुनाना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि सूर्य को दिया दिखाना, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड, पूछो कोई ना, आप में इतने गुण हैं कि उन गुणों के आगे तो हम कुछ भी बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम 4 पैसे कमाने के लिए थोड़ी बहुत ही कुछ कोशिश आपके आगे कर लेते हैं। वो ये कि अगर इंडिया ने सारी दुनिया में अव्वल नंबर पर आगे जाना हो, सूर्य की तरह चमकना हो, हम लोग इंडिया जाने के लिए दलालों को पैसे दें, हम लोग इंडिया जाने के लिए हर वो काम करें जो कि इंडिया से आने के लिए लोग यहाँ करते हैं, तो इंडिया क्या जो इस वक्त चरमराता हुआ ढांचा है, अपने आप को सुपर पावर कहलाता है, तो वो जो चरमराता हुआ ढांचा है उनका प्राइम मिनिस्टर कई कई दिन तक लोगों के सामने ही नहीं आता है। दुनिया भर के लोगों से वो मिलने के लिए जाता है लेकिन किसानों के बारे में एक बात वो नहीं कहता है। उनके ऑपोजिशन के नेता मेरे फेवरेट श्रीमान राहुल गांधी जी कहते हैं किसानों एक इंच पीछे मत हटना। चारों तरफ इतने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं,
जुलूस निकल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है आपको अच्छी तरह से पता है, ऐसे में क्या भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? 01215024304 टेलीफोन नंबर है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्यारी प्यारी जागरदेव बिक्की जी। धन गुरुदेव जी कैसी हैं? गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है। तो मैं प्रोग्राम देख रही है, बहुत सोना प्रोग्राम है हमेशा की तरह, पर मैं टेलीफोन आज पहली बार कीता। इतने साल क्यों नहीं कीता? बस ऐसे मैं प्रोग्राम बहुत पसंद करती, मैं थोड़ी गल्ला सुनती हां, बहुत प्यारियां। थैंक यू। तुम आप भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। हाले तुम मेरे खुले बाल नहीं देखे, मैं उन्होंने बनने हैं। मेरी सिस्टर भी रहती है। हां जी। मैं आना। अच्छा। हाँ जी, एक और भी मेरी सिस्टर है, तुसी उसकी दुकान से जाओ तो कहना बहुत उदास है, उन्हें बुला लवे। चलो मैंने भी सिस्टर ही समझ लियो। तुसी भी मेरी सिस्टर नंबर 3। चलो बहुत बढ़िया। ते बहुत सोनिया गल्ला बात जानी है तुसी करदे सीगे जी। तो आजकल जो भी हुंदा है सारे नु पता ही है, तो परेशानी भी बहुत है। हाँ जी। हाँ जी। वो किस तरह की परेशानी थानू महसूस होंदी है? हाँ जी। क्योंकि हर किसी नु अपनी अपनी परेशानी होंदी है। हाँ जी, अपनी अपनी परेशानी दा नहीं, जेड़ा अपने इंडिया च हो रिया जो भी। जी जी। ओदी तुहानूं केड़ी गल है जो ज्यादा इफेक्ट करदी? ओह गलत कर रही आ। इन्ना सोहणा साडे लई संविधान मिलिया सानूं ते। हाँ जी मिलिया, लेकिन की तुसी सोचदे हो इंडिया ओनूं डिजर्व करदा? ओथे उल्ट चलदे आ। हाँ जी जेड़े ने अज कल मालक कोठियां कारां दे जी, हुंदे सी कदे चमचे ओ सरकारां दे। हां जी। बिना हिंग तो फटकड़ियों रंग चढ़ च उपारा चमचा बन मित्रा जी। चमचियां दी ता हर थां ते सरदारी आ जी, जिथे भी तको इना दी गिनती भारी आ जी। की खेडा की सियासत हर थां चलदा है काला माला चमचा बन मित्रा। हां जी। मर मर के कोई मसा पतीला चाढ़दा है, खान दी वारी विच चमचा महक खलारदा ए। हां जी। चाहे मेन पार्टी भुखी मर जाए, चमचे लै नजारा चमचा बन मित्रा। आए लवली, वेरी नाइस। पक्की पकाई खाना इन्हां दी किस्मत है। हां जी। दुखां तो बच जाना इन्हां दी फितरत है। हां जी। ते इन्हां दे धक्के चढ़ के खत्म हो गया सारा चमचा बन मित्रा। ए जेड़े चमचे आ ना, सारा पुआड़ा इन्हां दा आ, इन्हें काम खराब कीता आ। हाँ जी, लेकिन जदों लोकां नूं पता हुंदा वी ये फलाना चमचागिरी कर रहा है, वह फिर भी ओदी गल क्यों सुनदे? सुननी नहीं चाहीदी, पर गां तो गां चमचे वधदे जांदे आ ना। हाँ जी, वधदे तो है। हाँ वधदे जांदे करके ते ओह फिर उन्हां दे चमचे वध ही जांदे, ओह जिद्दां हुंदी ओह लालच जिहा पै जांदा आ। जे चमचिया नू चक के पासे करो तो जिदा पहला चलदा सी, चमचे कढ के हाथ नहीं रोटी खा लो तो चंगी गल आ। हाँ जी, लेकिन हाउ? हाँ जी, किवें कढ़िया जाएगा? सारा कुछ ठीक हो जाए। प्रेयर तो असी एवरीडे करते हैं, लेकिन चमचिया नू किवें कढ़िया जाए? मतलब जो उत्थे दा नेता होवे। हाँ जी। ओ किवें खड़ा होवे? ये तो जेड़ा कड़छा है ना, ओनू पहला सिट्टो परे। हाँ जी, वो कड़छा इन्नी आसानी ना निकलेगा नहीं। कड़छा है ना, वो कड़छा वो तो आप उन्हों का चमचा बनया है। हाँ जी।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਪੈਸਾ ਮੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋੜਨੇ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਈ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਵੈਲ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਆਸ਼ਾ ਮਨ ਜੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਭੀ ਆਪਨੇ ਬੁਲਰਹਾਮਟਨ ਸੇ ਸੁਣੀ। ਆਪ ਕਿਆ ਸੋਚਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੱਡੀ ਥੀ ਭਾਰਤ ਚਾਈਨਾ ਸੇ ਆਗੇ ਬੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੇ? ਕਿਆ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਲਹਿਰਾਂ ਬਗੈਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਡੈਡ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਨਣੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਆਪ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਓਏ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਕੇ ਨਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ? ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀ। ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ ਦੈਨ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹਾਸੜ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹਸਾਇਆ ਹਸਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਰ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਚਰਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਖੀਲੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੀਲੀ ਵਿਸ਼ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। अमीर आदमी कदे किसे नु कुछ नहीं देंदा। अमीर आदमी कदे किसे नु कुछ नहीं देंदा। एक अमीर आदमी ना लिमो कार जांदा पिया सी। हाँ जी। सड़क दे किनारे की देखदा दो आदमी कहां पे खांदे ने। हाँ जी। उन्हें गड्डी रोके एक नु पूछा तू कहां क्यों खांदा पिया। हाँ जी। जी पैसे कोई नहीं भुखा मरदा पिया ते कहां खांदा। अमीर कह लगा चल मेरी कार च बैठो। कह लगा मेरे बच्चे भी हैं वाइफ। कहता वड्डी लिमो है चलो बैठो। दूजे आदमी पूछा तू क्यों कहां खांदा। उन्हें भी यही स्टोरी दसी भुख लगी है कहां खाना। उन्होंने भी कहा तू बैठ। कहते मेरी फैमिली कहते सारे बैठो मेरी लिमो कार है। हाँ जी। जड़े आदमी सन बड़े खुश हो कहते तुम तो धर्मात्मा आओ सानू सड़क ते जा के सानू गड्डी बैठे असि बड़े खुश हाँ। हाँ जी। अमीर आदमी कहता तुसी अलग कुछ भी नहीं खुश मेरे घर जाके होर खुश हो गए। चलाक बने सलाह देन एक बंदा ना बर्फ पैंदी भी शिमले। हाँ जी। बिल्ली नू नुआंदा पिया सी डॉक्टर एक कोलू लंघिया ते कहंदा इतनी ठंड बिल्ली नुआंदा पिया ए ते मर जाएगी। हाँ जी। मर जाएगी ते ओ कहलगा नहीं मरदी। इना डॉक्टर चक्कर ला के आया ते वाकई वो बिल्ली मर गई। ते ओनू कहलगा देख मैं तैन कहा सी ठंड च तू नुआ ना ते ए मर गए। कहंदा नुआया नहीं मरी जदों मैनू निचोड़िया ना उदो मर गई है। हाँ। उदो मुई गई। हाँ जी। चीज़ है कि देखो आसा चंगी चीज है बंदे नु हसना चाहिए। हसना चाहिए खुश होना चाहिए। लालच बुरी बला। बुरी बला सही गल है। लालच है एक बंदा बिल्लियां भी बेचता सी। हाँ जी। बिल्ली जिद रोटी खा रही थी ना एक प्लेट डायमंड लगे सी। हाँ जी। मैं इस बंदे नु पता कोई नहीं मैं होले जी बिल्ली खरीदांगा ना प्लेट खरीदांगा ए डायमंड दी प्लेट है महाराजा रंजीत सिंह दे वेले दी। हाँ जी। पता नहीं। हाँ जी। मैं पूछा भाई बिल्ली का की पाया। कहिंदा 80 पाउंड। हाँ जी। मैं कहा यार ऐ ले फड़ 80 पाउंड दे बिल्ली। मैं कहा यार प्लेट से बड़ी खुश होके बिल्ली खांदी भी सी ए भी दे दे। कहिंदा जी जेड़ा आंदा प्लेट ही खरीदन आंदा बिल्ली कोई नहीं खरीदन आंदा। बिल्ली घर ले आया जी ते उदा नाम रखिया रेशम। रेशम अच्छा। बीबी रेशम जी जी। ओ जी पहले कुछ दिन ते बड़े ठीक रहे। हाँ जी। ते जदो चौथे पंजवे दिन के आया जदो असी मियां बीबी बैठिए ते ओ छाल मार के विचकार बैठ जाए। मेरी वाइफ नु बड़ा प्यार करे मैनू बड़ा जैलस फील होवे। मैं कहते मुसीबत पा ली है मेरा प्यार ते उड़ गया। नहीं जी जी। ते मैं कहा भाई मैं जे कीता ना ओनू रेशम नु अपना बीबी रेशम नु कार च उठाया। हाँ जी। दूर किते जाके ला के आ गया। मैं कहा भी ए कार नहीं आ सकदी। सही है सही। ते मैं शॉपिंग कीती ग्रासरी ते घर पहुंचा रेशम पहला घर पहुंची सी। हाँ जी हाँ जी। मैं कह यार ये तो बड़ी माड़ी गल। फिर मैं हफ्ते छुट्टी ला ली दफ्तरों। हाँ जी। ते मैं कार बिठा के कदे एक टाउन जा कदे दूर दे तीजे कदे चौथे एक छोटे जे पिंड च उन्हें लाता। मैं क्या बेबी रेशम हुण तू मेरे घर नहीं पहुंच सकती। हाँ, बाय बाय। लाता ते मैं क्या चल चाह पी लो। चाह पीण लगा ते जल तुरन लगा ते मैं रस्सा भुल गया। घर रिंग किया। मैं क्या रेशम घर पहुंच गई है। कहते हाँ पहुंच गई है। मैं क्या उन्हें टेलीफोन देना मैं रस्ता समझावे मैं घर वापस आना। हाँ जी। नहीं बिल्लियां तो बहुत प्यार होते हैं वापस आ जाए। नहीं होता मुल। मेरी वाइफ कहने लगी व्हाट्स ऑन द टीवी ना। तो मैं शीशे दी उंगल मारी टीवी ते मैं क्या ओनली डस्ट ओनली डस्ट। हां जी। लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। कहंदी मैं जहर ले आ दियो मैं मर जांदी हां। हां जी। तो मैं क्या सारी चीजें मैं खरीदा कोई चीज तो तुसी आप ही खरीद लो। खरीद लिया करो। हां जी सही। खरीद के ले आई ना ते वो नकली निकलिया। हाय हाय बुरी किस्मत। चीज खरीदन गए ओ तो वो भी तुसी काम दी नहीं खरीदी। फिर अंदर चली गई कहंदी बाबा जी मैनू तुसी बुला लो अपने कोल। मैं क्या बाबा जी इहदी सुन लो मैं कोई होर लभ लांगा। हाँ जी हाँ।
ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਨਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਉਠਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵਸਣਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਟਿਕਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ ਵਾਜ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਜ ਦੇ ਹੱਥ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਆ ਕੇ ਜਾਣਾ। थैंक यू। अभी आपने इन साहब की आवाज़ काशी टेलीविज़न से सुनी, स्काई चैनल 772 पर यह काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम बर्मिंघम से बोल रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया में काशी टेलीविज़न को देखा जा रहा है। काशी टेलीविज़न को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर मुझसे भी दोस्ती कर सकते हैं। मेरा नाम है विकी गिल, वहाँ पर इन्विटेशन ज़रूर भेजिए और मैं आपको एक्सेप्ट करके फ्रेंड बना लूँगा। उसके ऊपर भी बड़ा कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, आगे आने वाले प्रोग्राम्स में क्या क्या होगा, ये सब कुछ बताया जाता है। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून जी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? सत्यकाल जी, आप कह मुझे, मैं आपकी बात को बीच में काट रहा था, मुझे ऐसे सुनाई दिए जैसे कि आप अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, एक ही बात है। अच्छा जी, मैं कह रही थी, थोड़ा ऊंचा बोलिए, आप तो इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं सुन रहा। इंडिया सुपर पावर बनना चाहती है, इंडिया सुपर पावर किस तरह बन सकती, करप्ट एमपी पीएम हैगा, प्रधानमंत्री करप्ट है। हाँ जी, ओ सुपर पावर जिथे एनी करप्शन होवे, लॉ एंड ऑर्डर ना होवे, पुलिस काबू च ना होवे, और जेडे अच्छे इंसान है उन्होंने सुनाई ना होवे, ओ किस तरह सुपर पावर बन सकती है? देखो देखो, तुहाडा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा? ए तां इंडिया ने आप बयान दिता है, मैं तुम्हें पूरी खबर पढ़ के सुनाऊंगा, हमने बस सुनाने वाला, पहले तुसी मैंने दसो कि तुसी की कहते हो। उसके बारे तो मैंने बताया, पर मेरा कहने का मतलब है, मेरा वही जवाब है कि सुपर पावर कदे नहीं बनेगी इंडिया। क्यों नहीं बन सकती? मुल्क करप्ट है, करप्शन, हेरा फेरी, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट कोई नहीं। पीएम जो कर रहा है तेरे सामने ही है, किसानों के हक खोण मतलब ओदा जोर लगा पाया है, और जिन्नी भी सुपर रिच है गया उन्होंने चमचा जिदा भैन पहले कह गई है जी, जी, जी। ओ बिल्कुल उन्होंने चमचा बन चुका है, हाँ जी। और उदे कोल है ही नहीं किसानों कुछ वापस करने लिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड कर चुका उन्होंने सुपर रिच रह गया, अडवाणी देवानी जो भी है, हाँ जी। उन्होंने ऑलरेडी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान एक गल है जिन्हों कहते हैं फलाना टेवे लाता है, तो तुसी की सोचते हो इंडिया टेवे ला रहा है? मतलब उन जी कही जाओ, उन जी को फिजूल गल्लां करने नूं टेवे लाना कहते हैं। पर विक्की जी गल हैगी आ कि देखो, जिस कंट्री दे विच तुहाडी सच्चाई दी सुनाई नहीं है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਵ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਗੋਰੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਭ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਸਿਸਟਰ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
बहुत ही कुछ चल रहा उत्थे, तरह तरह दी गल्लां हो रही हैं। तो उहदे विच सब तो बुरी गल जिहड़ी हो रही है जिहड़ी कि इंडिया नूं फाइनैंशियल स्तर से अगे ले जाण दे विच रुकावट आएगी, वो तुसीं की सोचदे हो? हैलो सिस्टर। हाँ गुजराती बोली बोलते है, दूसरे अडवानी अवानी जो भी है भी गुजराती है, और जिहड़ा इत्थे इक डायमंड डीलर सीगा इत्थे भज के आया सी इंग्लैंड च, की होया उहदे केस दा? कुछ भी नहीं होया, वह भी गुजराती सी, उहनूं फटाफट इहने इधर भेज दिता। यह हैगा गुंडा, गुंडा पीएम जिहड़ा आ, तुहानूं सब नूं पता किन्नियां ने मर्डर करवाई सी उत्थे गुजरात दे विच, तुसीं डिग कर लो जिहदे बंदे दे दिमाग, उहनूं अपनी कुर्सी दा कि मेरी कुर्सी, हुण देखो जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग है वह नहीं होनी चाहीदी, क्योंकि इहनूं पता आ कि वोटां पवा लो भोले लोकां कोलों, बाद दे विच चिप बदल दो और जिहड़ी सॉफ्टवेयर है वह बदल के सारियां वोटां अपने आप कर लो। दैट्स वेरी सैड। देखो तुसी भी आम जनता चो एक हो, लेकिन इंडिया जो हाले तक कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं, मैं तुहानूं पढ़ के सुनाना फिर तुसी उहदे हिसाब नाल जवाब देना। अच्छा जी, वो ये है कि साल 2020 में भारत में सकारात्मक वृद्धि दर के साथ इंटरनेशनल मुद्रा योग से कबल 2021 के भारत की आर्थिक स्थिति दर 11.5% रहने का अनुमान लगाया गया। जी प्रोग्राम खत्म होने से सिस्टर थोड़ी देर रह गई, इस गल नूं असीं अगले हफ्ते तक जारी रखांगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच इंडीड।